स्कूल। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार। मॉर्निंग हेडलाइंस में आप सबका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं अभी की खास खबरों पर। जाबन महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉड केस में ईडी ने सोमवार को 7000 पन्नों की चार्जशीट विशेष पीएमएलए कोर्ट में दाखिल कर दी है। ईडी ने इस केस में एचआईडीएल के मालिक राकेश वाधवान और उनके बेटे सारंग वाधवान को मुख्य तौर पर दोषी माना है। ईडी ने पीएमएलए कानून के कई प्रावधानों के तहत वाधवान बाप बेटे को गिरफ्तार किया हुआ है। आपको बता दें कि कंपनी ने बैंक से करीब 6,700 करोड़ रुपए का लोन लिया है। जामिया की लाइब्रेरी में रविवार को हुए लाठीचार्ज का मामला बढ़ता जा रहा है। इस मामले में जामिया के वीसी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर बिना इजाजत कैंपस में घुसने का आरोप लगाते हुए छात्रों का मानसिक शोषण करने की बात कही। वहीं बसों में आग लगाए जाने को लेकर दिल्ली पुलिस और जामिया वीसी आमने सामने आ गए हैं। बसों में आग लगाने को लेकर जहां दिल्ली पुलिस कह रही है कि ये छात्रों का काम है, वहीं वीसी का कहना है कि ये छात्रों का नहीं बल्कि स्थानीय लोगों का काम है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी और बारिश के बाद ठंड का प्रकोप जारी है। जम्मू में कल सूरज निकलने से दिन में लोगों को सुकून रहा, वहीं श्रीनगर में बादल छाए रहे। बारिश और बर्फबारी के आसार अभी भी बने हुए हैं, हालांकि धुंध और कोहरे का संकट कम हुआ है। जहां तक जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात है तो वो लगातार कल दूसरे दिन भी बंद रहा। यही नहीं, श्रीनगर लेह को जोड़ने वाले जोजिला पास और पुंछ से श्रीनगर को जोड़ने वाला ऐतिहासिक मुगल रोड मार्ग पर बर्फ पड़ी होने के कारण वाहनों की आवाजाही बंद है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन में मारे गए डीआईजी सीआरपीएफ शैलेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर सोमवार को श्रद्धांजलि समारोह के बाद पूरे सम्मान के बाद उनके परिजनों के पास ले जाया गया। उत्तरी कश्मीर रेंज के डीआईजी सीआरपीएफ शैलेंद्र कुमार गत शाम अपने वाहन से श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रहे थे। रामबन के पास डिगडोल में भूस्खलन के दौरान एक पहाड़ी से खिसकी चट्टान उनकी जिप्सी पे गिर गई थी। इस हादसे में उनकी और चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों और पुलिस के बीच विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा छात्रों से मारपीट के विरोध में इंडिया गेट के सामने सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं। वो अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ कल शाम 6 बजे तक 2 घंटे के लिए सांकेतिक धरने पर बैठी। प्रियंका के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, किसी वेणुगोपाल, एके एंटनी, पीएल पुनिया, अहमद पटेल और अन्य नेता धरने पर बैठे। 30,000 कोर्ट से उन्नाव दुष्कर्म मामले में आरोपी भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया गया है। इसकी सजा का ऐलान आ चुका। वहीं कोर्ट ने मामले में शशि सिंह को बरी कर दिया है। इस मामले में जुलाई में दुष्कर्म पीड़िता की कार को ट्रक द्वारा मारी गई टक्कर में उसकी 2 चाची की मौत हो गई थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मुकदमे को लखनऊ से दिल्ली के 30,000 कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। 16 दिसंबर 1971 को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के अदम्य साहस और वीरता के आगे घुटने टेक दिए थे। इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रीनगर स्थित सेना की 15वीं कोर जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लन ने कश्मीर में आयोजित एक कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बोलते हुए केजीएस ढिल्लन ने कहा कि कम से कम 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था और बाद में ये दुनिया के इतिहास में एक ऐतिहासिक आत्मसमर्पण था। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए द अर्थ न्यूज। नमस्कार। SP Smart School.